हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। सबसे पहले गाइस, आप लोग मेरा रैंक देख लीजिए। तो मैं सोलो विंस की बात करें तो मैं इंडिया में टॉप 5 पे हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉप 5 पर हूँ। और गाइस, यहीं पे मैं रैंक की बात कर लेता हूँ तो रैंक ये रहा मेरा। रैंक भी आप लोग देख लीजिए अपने सामने ही। तो चलो गाइस, मैच को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप लोग सोलो रैंक पुश करना अच्छे से सीख जाएंगे, आप लोग भी ग्रैंड मास्टर लगा सकते हैं। तो चलो गाइस, मैच को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग मेरा करेक्टर कॉम्बिनेशन देख लीजिए। अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वाले मैच में गाइस अभी मैंने एक भी किल नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी मैं टॉप 4 में आ जाता हूँ। अब मैंने सामने वाले बंदे को डैमेज दिया, लेकिन ये बंदा बच जाता है और मैं गाड़ी लेके यहाँ से नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं टॉप 4 में आ चुका हूँ। तो बंदे जितने भी हैं वो सब अच्छे से खेल रहे हैं। तो मैं नीचे साइड जैसे ही जाता हूँ, मुझे एक बंदा यहाँ पे छुपा हुआ दिखता है, लेकिन मैं यहाँ पे ना रुक के थोड़ा और आगे जाता हूँ, क्योंकि गाइस लास्ट जोन में आप लोगों के पास गाड़ी है तो आप लोग यूज करो उसका। तो यहाँ पे मेरा गाड़ी फोड़ देते हैं ये सारे बंदे मिलके। गाइस, कभी भी आप लोग हड़बड़ाहट में किसी बंदे के ऊपर रश नहीं करना। एक बंदा मेरे पास यहाँ पे आता है, मैंने इसको हेडशॉट से खत्म कर दिया, लेकिन गाइस अगर मैं डर जाता यहाँ पे तो मैं अभी खत्म हो जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं डैमेज हो गया था। तो मैंने सुपर मेडिकिट मार के डायरेक्ट थोड़ा आगे गया, क्योंकि लास्ट के 2 बंदे बचे हैं और लास्ट वाले बंदे को मुझे मारना है अगर मुझे बुइया निकालना है तो। इसका भी किसी ने ट्रक तोड़ दिया है, किसी ने नहीं गाइस, सामने वाले बंदे ही नहीं तोड़ा है। तो मैंने इसको इतना ज्यादा डैमेज दिया, बट सामने वाला बंदा किल चुरा लेता है। इसके पास काफी अच्छा लूट होता है तो मैं यहाँ पर इसको लूटता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा जो कि लास्ट बंदा है ये बहुत ज्यादा मेरे को परेशान कर रहा है। अब गाइस, मैं लूट करने के बाद बंदे के ऊपर फायर करता हूँ। गाइस, पहले तो लूट कर लेना चाहिए अच्छे से और बंदे के ऊपर से कभी भी नजर हटाना नहीं चाहिए। अब गाइस, यहाँ पे एक और टेंशन वाली बात है कि ये बंदा अगर रस करेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा। बंदा रस नहीं कर रहा है बल्कि ग्रेनेड वगैरह फेंक रहा है। मैंने इसका स्किल ब्लॉक कर दिया। अभी स्किल ब्लॉक है तो बंदा थोड़ा सा तो डरेगा, तो स्किल ब्लॉक है इसका। अब मैं इजिली रस कर सकता हूँ। मैंने एक ग्रेनेड निकाला और इसके ऊपर फेंका, लेकिन इसको डैमेज नहीं पड़ा। फिर गाइस, ये घूम के आया बंदा तो मैंने इसको इजिली नॉक कर दिया। पहले तो ये नॉक होता है, फिर मैं इसको कटाना से काट देता हूँ और इसके साथ ही मेरा बुइया निकल जाता है। तो इस वाले मैच में गाइस, बुइया के साथ मेरा 20 का प्लस होता है और 2 का स्टिक भी लग जाता है। गाइस, ये दूसरा मैच होता है और इस वाले मैच में ये बंदे को सबसे पहले मैं ठोक देता हूँ और ठोक के डायरेक्ट इसको लॉबी में भेज देता हूँ। इसको लूटने के बाद मैं वापिस से गाड़ी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ से निकलना है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल के यहाँ आता हूँ तो बंदा मेरा गाड़ी ही ब्लास्ट कर देता है। अब मुझे दोनों साइड से डैमेज पड़ने वाला है, क्योंकि जोन तो काट ही रहा है लेकिन सामने वाला बंदा भी मेरे ऊपर फायर कर रहा है। इस बंदे ने मुझे इतना ज्यादा डैमेज दे दिया कि मुझे पैक करके एक सुपर मेडिकिट लगाना पड़ा। अब गाइस, यहाँ पे ये बंदा इतने में नहीं माना और मेरे ऊपर आके रस कर देता है। मैंने स्किल ब्लॉक कर दिया, क्या ही बोले, इतना ज्यादा ये बंदा डैमेज दिया मेरे को। मैंने वापिस से पैक करके एक सुपर मेडिकिट लगाया। अब गाइस, यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा मेरे को मार भी सकता है। तो मैं थोड़ा आगे जाके इसको कंफ्यूज करने की कोशिश किया और कंफ्यूज भी हो गया बंदा, और मैं लॉन्च पैड लगा के यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे भी मेरे सामने एक बंदा है। अब बंदा, वो वाला बंदा तो मेरे को लग रहा है कि वो जोन में ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो मैं इस वाले बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वाला बंदा अभी शायद मेरे को नहीं देख पाया है। सबसे पहले गाइस, मुझे इसको मारने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा आगे गया। अब यहाँ से गाइस, मैंने तासुया करेक्टर का यूज करके इजिली इसको मार दिया, क्योंकि इसको हेडशॉट लगा था तो ये जल्दी से मर जाता है। और लास्ट का बंदा मेरे सामने है जिसको मैंने 2 गोली मारा, लेकिन ये ग्लू बॉल लगा के बच जाता है। मैंने इसका ग्लू बॉल तोड़ने के लिए लॉन्चर से एक गोली फायर किया, फिर दूसरी गोली फायर किया, बट ये वाला बंदा वापिस से ग्लू बॉल डाल के बच जा रहा है। अब इसका ग्लू बॉल तोड़ना उतना ही जरूरी है गाइस, जितना कि मेरे को
बुइया निकालना। तो ग्लू वॉल भाई इसका खत्म भी नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में कम से कम 10-12 ग्लू वॉल हर बंदे के पास होता है, तो इस वाले बंदे के पास भी है। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, लेकिन ये अपने करेक्टर एबिलिटी की वजह से बच जाता है, क्योंकि करेक्टर एबिलिटी की वजह से थोड़ा आगे चला जाता है ये। और ये बंदा मुझे इतना ज्यादा डैमेज दे देता है कि मुझे एक सुपर मेडिकिट लगाना पड़ता। अब ये बंदा मुझे डैमेज समझ के मेरे ऊपर रस कर रहा था, तो मैंने भी तासुया करेक्टर का यूज करके इजिली इसको मार दिया। तो गाइस यहाँ पे मेरा इस मैच में भी बुइया हुआ, और यहाँ पे मेरा 21 का प्लस हो गया।